बनाने के
keep that up with you on it. मैं अभी आज सुबह ही बता रहे हो क्योंकि पुराने जमाने में जयपुर में एक सूखी नदी को पार कर दो और बरसन तक वहां पे कोई रिहायशी मकान बनाना अलाउड नहीं है तो अब वो पुराने सब दस्तावेज भूल भुला गए सब हो गए और अचानक म्युनिसिपैलिटी ने वहां के नदी पे जो पार्ट है तो वहां की प्लॉटिंग करी और कॉलोनियां बनाने की छूट दे दी तो लाल जी जीता सब ने अपने अपनी कॉलोनी बनाई बनाने की तो बन गई कॉलोनी अब क्या है कि जब भी नदी बरसात ज्यादा पड़े है तो जयपुर में से वो पानी को बहने की वो सूखो पट जो है तो ना वो कॉलोनी बन जाने से पानी जल्दी बह नहीं है और वो सूखे पट में से पानी सीधो बह जाते तो और 5-10 साल पहले की बात है एक वक्त इतना फ्लड आया जयपुर में कि वो जयपुर में जो प्राणी बाग है वहां पर जो शेर है वो शहर के बाहर आ गए और कोई के बगला के आटा में आके बैठ गए सुबह सुबह दरवाजा खोले तो शेर बेचारा बैठे तो भाई सब जगह पानी भर गया तो जहां नहीं पानी भर गया वहीं तो बैठे बंद जाते लेने के देने पड़ गए ना तो जब अपन सोचे समझे बिना सर्वे किए बिना अपन कोई तरह को ऑब्जर्वेशन किए बिना सर्वे किए बिना अपन कोई एक्सपेरिमेंट करें कि चलो कॉलोनी बसा दो प्लॉट पार के खाली पड़ी जा रही है जगह वेस्ट जा रही है तो भाई तो सर्वे बराबर करना चाहिए तो अपनी उपयोगिता क्या है तो या करे सु कोई भी साइंटिफिक या कोई भी यूजफुल फ्रूटफुल थिंकिंग है तो आपकी सबसे पहली शर्त है कि आपको ऑब्जर्वेशन करना चाहिए सर्वे करना चाहिए कि जो आप रिसर्च करना चाह रहे हो जो आप डिस्कवर करना चाह रहे हो जो आप इन्वेंट करना चाह रहे हो आपको एरिया क्या है मेरी बात आई समझ तो पहले निरीक्षण वाक्य बात फिर अन्वेषण माने रिसर्च और जब आपने रिसर्च करी वाक्य बात के बाद एक्सपेरिमेंट प्रयोग करने चाहिए और जब प्रयोग हो जाए तो अपने पूरी बात तो एक दो प्रयोग में हर बात तो समझ में आती नहीं हो अक्सर आपने देखा होगा वो दवाई के कुछ प्रयोग हो गए दवाई तुरंत मार्केट में आ जाए और मार्केट में आने के बाद खाने लग जाए पीछे से पता चले कि कई लोगों को वाकई उल्टी असर पड़े और फिर पाची दवा विड्रॉ करनी पड़े तो वाकई ये वेरिफिकेशन की भी एक अपने आप में एक अपने आप में अलग महत्ता है जो भी वैज्ञानिक चिंतन है वो या कभी से चले या के पैरेलल अपने यहां अपन समझें कि अपना धर्म है या मैं विज्ञान की बात नहीं है पर बात ध्यान से देखो प्रमाण प्रमेय साधन और फल जब अपन कह रहे हैं तो ये इन्हीं के तो विषय है आपको अपन ये कह रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन वो प्रमाण जब को अपन प्रमेय कह रहे हैं वो क्या है अन्वेषण है जब को अपन साधन कह रहे हैं वो क्या है रिसर्च है जब को अपन वेरिफिकेशन कह रहे हैं वो फल है वेरिफिकेशन के बाद वो फल हो जाएगा आपने वेरीफाई कर लियो तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा तो ये जो मॉडल है चिंतन को अपने यहाँ को ये साइंस को एक मॉडल है बाकी अलग टर्मिनोलॉजी है ये एक अपना मॉडल है चिंतन को बाकी अपनी एक टर्मिनोलॉजी है प्रमाण प्रमेय साधन पर की पर थोड़ा सा मैं आपको खास करके वो दीपक भाई को बहुत तीखो नहीं लगे यार ये मिठास बता रहे हो थोड़ी से देखो एक देखो ध्यान से देखो ये एक्सरसाइज करनी है आपको नत्वा हरिम प्रवक्ष्यामि ससिद्धांत विनिश्चयम् कृष्ण सेवा सदा कार्य मानसीसा परामता या एक श्लोक में चार बात महाप्रभु जी कह रहे हैं वहां में से आप सोचो कि कौन से अंश में कौन सी बात कही गई है थोड़ी सी दीपक भाई ये तो मधुर एक्सरसाइज है
मैंने आपको चार बात बता दी, प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल। साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में आपको समझना हो तो ऑब्जर्वेशन वो ले लो, पर यह बात को अनुभव करो कि ये श्लोक के चार पद पाद हैं और चार पाद में ये चार बातें बोल रही हैं कि नहीं बोल रही हैं, शब्द में नहीं बोल रही हैं, उनके रोल में बोल रही हैं। क्यों बोल रही हैं? अभी मैं नहीं बोलूं। थोड़ा सब लोग अपना अपना कर रहे हैं। उचित बात है कि आप लोग लिख लो अपनी अपनी डायरी में कि चार में से कौन, चार पादन में कौन सी चार चार बात कहाँ है, बाकी बाद में रिजल्ट डिक्लेयर कर दो। आप अपना परसेंटेज चेक कर लीजिए कि आपको 25% मिले, 50% मिले, 75% मिले, 100% मिले या 0 मिले, अपने अपनी डायरी में लिख लो। वो रिजल्ट आप तक ही रहेगा, फिर तो आउट नहीं होगा। तो लिख लोगे तो आपको अपना रिजल्ट पता चल जाएगा। लिख लो तब कहियो। हाँ आप तारा अपने को देखने तो सिर्फ ऊंचा ही रखना पड़ेगा,
कोई चीज जमीन पे गिर गई है तो सिर झुकाना ही पड़ेगा। कोई आंख के लेवल पे कोई चीज को पहचाननी है तो गर्दन सीधी ही रखनी पड़ेगी। तो कौन सी चीज को देखना है, वाकु कैसे पहचानना है, वाकु लिए ये अपने पोज है कि नहीं, ऐसे महाप्रभु जी के हिसाब से भगवान को यदि पहचानना है तो नमन ही प्रमाण है। नमे बिना ठाकुर जी को अपन सोचे पहचान जाए तो नमे बिना अपन पहचान नहीं कर। यही आगे जाके देखो मैं देवता मूर्ति अत्याया दृश्य बचे गंगा के बहते पानी में गंगा की जो देवी है वाकु यदि पहचाननी है जाननी है तो प्रमाण क्या है, भक्ति। भक्ति मने नमनम या ये पहले बार में महाप्रभु जी ने प्रमाण बतायो है नत्वा हरि प्रवक्षा। खुद के लिए नमस्कार बतायो है, अपने लिए महाप्रभु जी को वचन प्रमाण है, ऐसे भी अपन ले सके। प्रमेय क्या है, स्वसिद्धांत निश्चय। साधन क्या है, कृष्ण सेवा सदा कार्य। फल क्या है, अब तू जान और थारो राम जान है कि परसेंटेज कितने मिले आपको। तो देखा ना आपने, ये शब्द में कही गई बात नहीं है, ये बात शब्द में नहीं कही गई है, पर वो पंक्ति एक एक श्लोक के कच्चा में ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये एक्सरसाइज याद रहिए, वो रोज याद रहिए। अपन शब्द में वहां खोजने जाएंगे कि नत्वा हरि प्रवक्ष्यामि प्रमाण है, ऐसे कहो नहीं कहो, स्वसिद्धांत विनिश्चयम प्रमेय है ऐसे कहो नहीं कहो, कृष्ण सेवा सदा कार्य साधन है ऐसे कहो नहीं कहो, मानसीसा परामता में फॉर्चुनेटली परामता कह के फल कह दियो है, पर वो तो एक एक्सीडेंट है, वो नहीं भी कहे हो तो भी समझ में आ सकती थी। तो याद तरीके को हर शब्द के जो फ्रेजेस हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा टर्मिन टर्म उनको परपोर्ट है, वो उनके एक शब्द के अलावा भी उनको कुछ तात्पर्य हुए है वो अपन याद करें तो समझ सके। शब्द से प्रकट हो तो तात्पर्य और शब्द से प्रकट हो तो तात्पर्य नहीं, पर पूरे वचन के अंश से प्रकट हो तो तात्पर्य, जो शब्द में नहीं बोल रहे हो पर पूरे वचन की जो प्लेसिंग है वाक्य कारण बोल रहे हो। बहुत बार वचन की जो प्लेसिंग है वो भी कोई तात्पर्य प्रकट करती हुए, जैसे एक सामान्य उदाहरण दो, उच्चार में आए तो बोलचाल में अपन कैसे बोले कि कोई काम पहले करना है तो आपको अपन पहले बोले, और फिर कैसे कहें कि भाई जल पी के जाओ, चाय नाश्ता करके जाओ, ऐसे बोले ना, तो करके जाओ, तो करके के कारण चाय नाश्ता पहले आ गए हो, जाओ बाद में आए हो, ये समझ में आ रहे हो। पर ये बोलने वाले पे प्रतिबंध नहीं है कि ग्रामर को फॉलो करे, बोलने वाला ऐसे भी बोल सके जाओ और चाय नाश्ता कर दो। अपने को हुआ प्लेसिंग के कारण वाकु अर्थ समझना पड़ेगा कि यदि चाय नाश्ता यहाँ तैयार है तो चाय नाश्ता करके और जाओ, और यदि यहाँ चाय नाश्ता तैयार नहीं है और जाने जहां जाने की कह रहे हैं वहां चाय नाश्ता तैयार है तो जाने के बाद चाय नाश्ता मिलेगा, ये बात शब्द नहीं बता रहे है, ध्यान से देखो वो कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि यदि जहां आप कही जा रही है बात वहां चाय नाश्ता तैयार है और जाने के लिए कह रहे हो कोई आदमी जाओ और चाय नाश्ता कर लो,
तैयार यहाँ है तो आपको ये बात उल्टी समझनी पड़ेगी कि चाय नाश्ता कर लो और जाओ, पर वहां जहां जाने की कही जा रही है वहां चाय नाश्ता तैयार है तो मतलब ऐसे निकलोगे कि जाओ और जाके चाय नाश्ता करो। ये बात शब्द से नहीं आ रही है, बोलने वालों कहां बोल रहे हो है, सुनने वालों कहां वाकु सुन रहे हो है, वाकी समझ में से ये अर्थ प्रकट हो रहे है। तो अपन हर वक्त समझे कि शब्द के जो बोली जाती बात जो है वाके सारो अर्थ शब्द में से निकले है ऐसे नहीं है, संदर्भ में से निकले है, वाकई प्लेसिंग में से निकले है। वो जैसे मैंने आपको बताया तो आकार ही इंगित ही गत्या चेत्या भाषण नचा, ऐसे कई फंक्शंस हैं जिनके कारण बोली जाती बात को तात्पर्य स्पष्ट होते हुए। ये तो मैंने आपको उदाहरण के तौर पर बताया कि जैसे आपको यूं नहीं लगे कि ये कोई अतिरिक्त कार्यवाही है, ये ग्रंथ को समझने की यही सारी सिफत है जिन सिफत से अपन ग्रंथ को समझ सके। खुलासा भयो ना बात, तो वही तरह के ये अपने एक्सरसाइज भी है जो अपन करवा रहे हैं। अपन या श्लोक पे आवे, परम ब्रह्म तो कृष्णो ही सच्चिदानंद कमरह विरूपम तद्धि सर्वम स्यात् एकम तस्मात् विलक्षणम्। अब देखो वंस अगेन या में भी दोबारा श्लोक एक है पर बात चार आ रही है। एक बात आ रही है कि परम ब्रह्म तो कृष्णो ही, परम ब्रह्म तो कृष्ण ही है, परम ब्रह्म तो कृष्ण ही है। एक आपको सूचना देता हूं कि चाहे बृहत को चाहे ब्रह्म को हर देश है, बृहत को चाहे ब्रह्म को शब्द अलग है, शब्द को दोनों को अर्थ एक ही है। बृहत को ही ब्रह्म कहा जाए है, ब्रह्म को ही बृहत कहा जाए है। तो पर ब्रह्म तो कृष्ण ही है और बृहत क्या है, सच्चिदानंदक है। ये जो क शब्द है प्रत्यय है, ये छोटे होने के अर्थ में सबोर्डिनेट होने के अर्थ में, कम होने के अर्थ में, कभी कभी निंदा के अर्थ में, ऐसे कई अर्थन में क शब्द वापरे जाए। कई टीकाकारण की या के कारण ऐसी व्याख्याएं भी अपने को मिले हैं कि बृहत सच्चिदानंद है ना गणितानंद है, क्योंकि महाप्रभु जी ने कृष्णाश्रय में जो कहो ने के प्राकृता सकला देवा गणितानंद कम बृहत पूर्णानंदो हरिस्तस्मात् कृष्ण योगते मम। तो मां महाप्रभु जी ने बड़े दो शब्द आपस में एक दूसरे के आमने सामने रखे हैं कि एक कोई वस्तु पूर्णानंद है और एक गणितानंदक है। अब जब अपन यात्रा को आमने सामने रख रहे हैं तो बिल्कुल बात समझ में आ रही है कि जो पूर्णानंद है वो गणितानंदक नहीं है, जो गणितानंदक है वो पूर्णानंद नहीं है। जैसे ही ये बात समझ में आएगी तुरंत एक बात और समझ में आ जाएगी अपने को बिना कहे हो कि गणितानंद जो है वो पूर्णानंद से कैसे भिन्न है, भिन्न है। वही ये तो महाप्रभु जी ऐसे कह रहे हैं कि कृष्ण एव गति मम, यानी मेरी गति तो कृष्ण ही है, ठीक है ना बात। तो महाप्रभु जी कैसे चतुर शब्द के घड़वैया है, घड़ने वाले हैं। वापस ध्यान दो तो ये सारे कंफ्यूजन दूर हो गए।
भयो। मतलब अक्षर ब्रह्म गणितानंद नहीं है, पर कम है गणितानंद जाने ऐसो है। जैसे अपूर्ण मने जो पूरा नहीं हो, वो अपूर्णक कियो तो मतलब क्या कि अपूर्णता जामे कम है, वो कोई तरह की तो बीच को बात हो गई कि न तो वो पूर्ण है और न वो अपूर्ण है, पर अपूर्णक क्या चीज है कि जो पूर्ण और अपूर्ण के बीच में रहो भयो, कोई इंटरसेक्शन को एरिया है कि जहां अपूर्णकम। अपूर्णकम मतलब क्या कि अपूर्ण नहीं है, अपूर्णता जामे कम होए और पूर्ण भी नहीं है, क्योंकि पूर्ण के अपोजिशन में दिया जा रहे हो। तो महाप्रभु जी ने कितनी चतुराई से शब्द वापरे है कि प्राकृता सकला देवा, देव सब जो है वो प्राकृत है और बृहत कैसा है, तो कह रहे हैं गणितानंद कम, माने गणितानंद है कम जामे ऐसो, और पूर्णानंद हरि तस्मात् कृष्ण योगते। तो जब क्या एंगल से सोचे ना, तब अपने को समझ में आवे एक बात, तो अपन जो समझ रहे हैं कि अक्षर ब्रह्म गणितानंद है, वो गणितानंद नहीं है, पर गणितानंद जैसो है। जैसे कोई को अपन कह के हाथी है, तो हाथी मने हाथी जैसो, ऐसे कम जो प्रत्यय लगे वो अल्पार्थ में या सबोर्डिनेट होने के अर्थ में लगे, वो डिमिनिशिंग अर्थ में लगे है, जो मीनिंग है वहां को डिमिनिश करे है, तो गणित जामे गणितानंद जामे डिमिनिश हो रहे हो है ऐसो अक्षर है। मतलब गणितानंद यामे पूरी तौर पे गणित नहीं है, पर एज इफ गणितानंद हो ऐसे है, ये अर्थ निकलेगा ना। बताई क्या में कोई तकलीफ है, ये सोचे तो अपने को समझ में आएगा कि अच्छा अच्छा, तो पूर्णानंद के साथ या तो उतना ज्यादा वॉटर टाइट कंपार्टमेंट रहित नहीं है, क्योंकि पूर्णानंद जो है वो पूर्णानंद है, अपूर्णानंद जो है वो अपूर्णानंद है, और गणितानंदक जो है वो पूर्णानंद और अपूर्णानंद के बीच को कोई बफर स्टेट है, कि जो या बाजू पूर्णानंद है पर वा बाजू अपूर्णानंद जैसा लग रहे हो करके गणितानंद कम लग रहे हो, आया ना। अब वो बात समझोगे ना तो इतनो भेद नहीं दिखेगा जितनो भेद अपन सोच रहे हैं अक्षर ब्रह्म में और पुरुषोत्तम में। ये अभी कंसेप्ट अपना साफ हो जाए तो एक बात और समझ में आएगी कि यहाँ जब महाप्रभु जी कह रहे हैं कि परम ब्रह्म तो कृष्ण हो ही, कृष्ण तो परम ब्रह्म है, तो बृहत क्या है, तो कह रहे हैं सच्चिदानंद कम, सच्चिदानंद वामे कम होए ऐसा लग रहे है, एक्चुअली वामे सच्चिदानंद कम नहीं है। ये धारणा अपने को मन में से हटा दी पड़े, आपको लगे कोई ऐसी उल्टी बात मैं क्यों कर रहे हूं, कोई पट्टी पढ़ा रहे हूं आपको, पट्टी नहीं पढ़ा रहे। महाप्रभु जी ने सर्व निर्णय निबंध में या तो स्पष्ट खुलासा किया है कि अक्षर ब्रह्म और पुरुषोत्तम के बीच में जैसे ये चश्मा और ये पुस्तक ऐसे अंतराल है, ऐसे अंतराल नहीं है, पुरुषोत्तम ही घटते घटते अक्षर ब्रह्म है और अक्षर ब्रह्म ही बढ़ते बढ़ते पुरुषोत्तम है। यानी कम प्रत्यय सिर्फ आनंद के साथ न लगते समस्त पद के साथ लगे, समस्त पद के भी साथ लगाओ चाहे आनंद के साथ लगाओ, जहां भी लगा रहे हो वहां में जो लग रहे हो है वहां में अल्पता जो आ रही है वो एकांतिकी अल्पता नहीं है पर रिलेटिव एक अल्पता है। वहां उदाहरण क्या को नहीं,
नहीं देखो बड़ा मजेदार बात करता हूँ बड़ा, जब गुजराती में रमुजी कहे ना, मन को खुश करने वाली बात है। ये टेबल की जो चौड़ाई है वो कितनी होगी? तो यदि ये टेबल की चौड़ाई समझो कि 10 फुट है, तो यहाँ से यहाँ टेबल 10 फुट होएगा, तो वहां से वहां भी तो 10 फुट होएगा ना। ऐसे तो नहीं हो सके कि यहाँ से यहाँ 10 फुट होएगा और यहाँ से यहाँ 11 फुट होए, ऐसे हो सके? नहीं हो सके। पृथ्वी से अपन आकाश की ऊंचाई नापना शुरू करें तो अनंत है। आकाश से पृथ्वी की नीचाई नापेंगे तो अनंत नहीं मिलेगी, क्योंकि शांत है। तो अनंत है के शांत है ना। मजेदार एक प्रॉब्लम कोयडो है ना, पहली है कि नहीं है? पृथ्वी से आकाश की ऊंचाई नापो तो अनंत है। आकाश से पृथ्वी की नीचाई नापोगे तो अनंत हो ही नहीं सके, क्योंकि पृथ्वी पे तो अंत हो रहे हो नीचाई को। कहीं से भी करो ये तो बाबा हर वक्त प्रॉब्लम रहेगी कि जब आप अनंत को नाप रहे हो तो कहां से नाप रहे हो? अनंत को अनंत से तो नापोगे नहीं, आप जहां हो वहां से अनंत को नापोगे। तो वहां से जब आप अनंत को नापोगे तो अनंत दिखेगा, पर अनंत से जब आप शांत को नापने जाओगे तो अनंत दिखेगा ही नहीं, शांत दिखेगा। मैंने यो 10 फुट है और यो 11 फुट हो गए। प्रॉब्लम समझ में आ रही है? यो नाप रहे हैं तो अनंत है, और ऊपर से नीचे नाप रहे हैं तो पृथ्वी पे तो अंत हो रहा है ना। वो माप ऊपर तो स्टार्टिंग पॉइंट है, जब भी नापोगे तो ऐसे ही तो नापोगे ना। यही अनंत से नाप ही नहीं सकते हैं। तो पृथ्वी आपको हर वक्त शांत मिलेगी, और पृथ्वी से जब वक्त अनंत को नापोगे तो हर वक्त डिस्टेंस इनफाइनाइट मिलेगा, अनंत मिलेगा। बात समझ गए ना? है पहली, पर एक बड़ी मजेदार पहेली है। ऐसे अपन अपने आनंद सु अक्षर ब्रह्म को नापने जाए तो अक्षर ब्रह्म अनंत है, पर पुरुषोत्तम सु पूर्णानंद सु जब वक्त अपन अक्षर ब्रह्म को नापने जा रहे हैं तो अपने को कोई लैंडिंग पॉइंट काउंटिंग पॉइंट मिल रहे हो, टर्मिनल मिल रहे हो, कैसा है यहाँ ये पूर्ण हो गए हो। बात समझ गई? बिल्कुल कोई समस्या है? दिल में मत रखिए, बोलो। पूर्णानंद तो हो गया ना, पूर्णानंद बोलते हैं तो वहाँ फिनिश हो गया, फुल स्टॉप आ गया। एक माइक आ जाएगा, माइक में बोलो। हम जब बोलते हैं कि पूर्णानंद है तो पूर्णानंद है तो वो भी उसका गणित आनंद हो, गणित तो पूरा हो गया नहीं। हम बोलते हैं पूर्ण पूर्ण आनंद तो पूर्ण तो हो गया नहीं, सो फिनिश हो गया। पूर्ण का मतलब, पूर्ण के दो मतलब होते हैं। पूर्ण का एक मतलब होता है कि जो फिनिश हो गया, पूर्ण का एक मतलब होता है कि जो कभी फिनिश ना होता हो। दोनों मतलब है पूर्ण के। पूर्ण शब्द के दोनों अर्थ। और मुझे तो वो भी समझ में नहीं आया कि भाई आकाश से हम जब पृथ्वी पर मापते हैं तो जब मापना है तो कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो चाहिए।
स्टार्टिंग पॉइंट तो आप मिल जाएगा जहां से माप रहे हो, जैसे सूरज से आप पृथ्वी को माप रहे हो आकाश में सूरज की डिस्टेंस से, तो पृथ्वी सिर्फ 9 करोड़ माइल दूर है। आया ख्याल में? आप जब भी मापोगे तो कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ोगे। इन्फिनाइट सिटी से तो आप माप ही नहीं सकते हो किसी चीज को, क्योंकि इन्फिनिटी से मापने जाओगे तो आपको इन्फिनाइट टाइम चाहिए, तो वो हासिल होता ही नहीं अपने को, तो वो प्रॉब्लम तो रहेगी। इसलिए आप जहां से मापोगे, जैसे एक बात समझो, आज तो अपने को पता चल गया कि समुद्र का किनारा यहाँ है हिंदुस्तान के छोर पे, दूसरा समुद्र का किनारा उधर अफ्रीका के छोर पे। पर जब लोगों के पास साधन नहीं था इतना, तब कैसे सोचते थे कि यहाँ तो किनारा है तो वहां पता नहीं किनारा है कि नहीं है, ऐसे सोचते थे ना। तो वहां से यहाँ वो शांत था और यहाँ से वहां अनंत था। ऐसे ही आकाश भी, आप ये क्यों चिंता करते हो, आप सारी बात भूल जाओ। जब आप एक से गिनती शुरू करते हो तो इनफाइनाइट है, रिवर्स में आपको घटाते हुए गिनती करनी है तो फाइनाइट है कि नहीं? एकदम सरल बात, एक से जब आप गिनना शुरू करोगे, गिनते चले जाओ, कभी अंत आएगा? कभी अंत नहीं आ सकता। पर फिर से एक के तरफ लौटना है, आप अवज गिन लो, खरब खरब गिन लो, नील गिन लो, दस नील गिन लो, जहां से भी स्टार्ट करोगे एक पे अंत हो रहा है उस गिनती का। तो गिनती का यहां अंत है, गिनती का वहां अंत नहीं है। जहां आदि है वहां अंत मिलेगा, ऐसा ही हुआ है। जैसे एक में एक प्लस दो और एक प्लस तीन और एक प्लस चार, ऐसे करते करते आप आवाज खराब किसी भी एकदम फैंटास्टिक संख्या तक पहुंच गए। उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि भाई ये तो अंत ही नहीं हो रही है, कब तक गिनना? आया ख्याल में? लौटोगे जिस पॉइंट से? एक तो हर वक्त आपकी सेवा में हाजिर है ना, माइनस करते करते 10 खरब माइनस 1, ऐसे घटाते घटाते आपको फिर से एक मिल जाएगा। वही तो मैं कह रही हूँ कि अनंत में जानो है तो अनंतता है, अनंत से लौटनो है तो अनंतता नहीं है, क्योंकि अनंत में सु अपन लौट रहे हैं, अनंत को कोई अंत तो है नहीं कि जासु अपन लौट सके। यही मैं समझाना चाह रहे हूँ। वन वे वो एक डायमेंशन मिल रहे हो, अदर वे डिफरेंट डायमेंशन मिल रहे हो। चीज एक ही है, यह इंफिनिटी को नेचर ही याद रखो है, या नेचर को समझोगे ना तो आपको अक्षर और पुरुषोत्तम को नेचर समझ में आ जाए। अक्षर जो है वो पूर्ण है, अनंत है, इंफिनिट है। अक्षर सु पुरुषोत्तम सु अक्षर के तरफ आ रहे हो, तो अक्षर को आपको कहीं आपको अंत दिखे को, पर अक्षर सु पुरुषोत्तम के तरफ जा रहे हो कोई अंत नहीं दिखेगा, अंत ही विस्तार है। क्योंकि क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम, क्षर को क्या मतलब है? गणितानंद। क्षर को मतलब है गणित सत्ता, गणित चैतन्य और गणित आनंद। क्षर को मतलब लिख लो, क्षर को मतलब गणित सत्ता। गणित सत्ता का मतलब क्या? 1940 के 26 जून को श्याम मनोहर पैदा हुए। अब हरिराय जी की तरह 122 बरस जिए ना, तब भी सत्ता तो गणित ही है ना, तो सत्ता गणित हो गई। जो चेतना है मेरी वो भी गणित है, तो गणित सत्ता, गणित चेतना
और जो मेरा आनंद है वो भी गणित है, क्योंकि जब सत्ता ही गणित हो गई, चेतना ही गणित हो गई, तो आनंद का सुख अगणित हो सकेगा। सीधी सी बात है ना, आनंद तो अनुभूत कब होवे, कि आनंद को अनुभव करने वाली सत्ता और चेतना होए, वो खुद ही गणित है, तो अगणित को अनुभव कैसे कर पाएगी। तो क्षर जो है, कोई भी वस्तु जो क्षर है, वाकी सत्ता वाकी चेतना वाको आनंद गणित है, वाके बीच में अक्षर है। अक्षर को मतलब क्या, कि वाको कभी वाकी सत्ता को वाकी चेतना को कभी क्षरण नहीं हुए। क्षरण यानी जैसे अपन टंकी भरे और टंकी में एक छेद होए और भरी भरी टंकी थोड़ी देर में पाछी खाली हो जाए, छेद हो, तो मटका भरे मटका में कोई छेद हो तो थोड़ी देर में मटका या कोई रिसाव हो गए। तो क्षरण को मतलब क्या, रिसाव, कोई में से कोई चीज रिस रही है, तो कोई में से कोई चीज रिस रही है तो वो खाली हो जाएगी, वो क्षर है। अपने में सत्ता भरी भई है, अपने में चेतना भरी भई है। शास्त्र या को ऐसे ही समझावे कि एक के ठिकाने तुम्हारे 10 छेद है, इन 10 छेदों में से तुम्हारी सत्ता तुम्हारी चेतना को निरंतर रिसाव हो रहे हो, ज्यादा रिसाव हो गए हो। अक्सर कई लोग कहते रहे कि सबसे पहले नोटिस कब मिले, कि जब दांत गिरने शुरू हो, रिसाव हो। दूसरी नोटिस कब मिले, जब कान से सुनाई बंद दे, तो बंद कर दे, जब रिसाव होने की तैयारी हो रही है। और तीसरी नोटिस मिले, कब आंख से दिखना भी बंद हो रहे हो। एक एक नोटिसें आती चली जाए, जब 10 नोटिस आ गई, रिसाव हो गए, पूरा खाली हो गए, शरीर रह जाए, पर शरीर में से सत्ता और चेतना पूरी तरह रिस के बाहर निकल गई। फिर आंख देख नहीं सके, कान सुन नहीं सके, मुंह बोल नहीं सके, चमड़ी छू नहीं सके, वो रिसाव हो गया पूरा। बात समझ रहे ना, तो जामे रिसाव नहीं हो तो वाकु अक्षर कहो जाए। बात समझ रहे, अब नहीं आई कहां तक गई, बोल क्षर है,
आपको यही नेचर है कि वो पैकेट कायम रह जा रहे हो है और भीतर से कपूर सब उड़ जाए। ऐसे तो मरने वाले कोई 100 में से 5 ही हो ना कि जिनको शरीर कट के मरते हो, बाकी तो आपके शरीर आंखों को आपको शरीर मौजूद है, आंख की आंख मौजूद है, कान को कान मौजूद है, नाक की नाक मौजूद है, पर जैसा हो गए हो अब वो ना आंख से दिख रहे हो, ना कान से सुन रहे हो, ना नाक से सुन रहे हो, ना मुंह से बोल रहे हो, ना हाथ से पकड़ रहे हो, ना पैर से चल पा रहे हो, सब रिसाव हो गए। तो वो रिसाव कपूर की तरह कपूर की डब्बी ला के रख लो, ठीक हो सब गायब। वो क्षर है, वहां का नाम क्षर पुरुष। अपन जितने भी है ना, अपन सत्ता के एंगल से भी क्षर पुरुष है, चेतना के एंगल से भी क्षर पुरुष है और आनंद के एंगल से भी क्षर पुरुष है। अपने बीच में और पुरुषोत्तम के बीच में एक बफर स्टेट है। बफर स्टेट का मतलब क्या कि ना ये ना वो, बीच को आपको ऐसे समझ सको कि दो रेल के डब्बा के बीच में एक ऐसा कांटा हुआ है, तो वो या डब्बा को वह डब्बा से जोड़े, वह डब्बा को या डब्बा से जोड़े, तो या डब्बा के एंगल से देखो तो वो या डब्बा को आओगे, वह डब्बा के एंगल से देखो तो वो वह डब्बा को आओगे। आजकल वो और बना दें कॉरिडोर को जोड़ने के लिए, तो क्या नाम है, तो वो अक्षर ब्रह्म है। दो डब्बा के बीच को क्षर और पुरुषोत्तम के बीच में, अपूर्ण और पूर्ण के बीच में एक अक्षर को कॉरिडोर है, वहां में क्षर कुछ भी नहीं है, पर क्योंकि वो या बाजू यासु जुड़े भयो है, यासु वहां में गणित आनंद जैसो लगे है। यदि वाकू वा तरफ जुड़े भयो देखोगे तो गणित आनंद है, या तरफ जुड़े भयो देखोगे तो गणित आनंद है। बात समझ में, अक्सर दलालन को यही तो रोल होगा ना, या बाजू देखें तो वकुल अपन को लगेगा अच्छा जा जो बेच रहे हो वहां को कुछ फायदा करवा रहे हो, वहां बाजू देखें तो जो आपको लगेगा ना नहीं खरीद रहे हैं वहां में फायदा करवा रहे हो, दलाल को पता नहीं कोई तीसरा ही फायदा है। दोनों दलाल काय के लिए रखे, यही के लिए रखे के लिए। अक्षर ब्रह्म जो है वो पुरुषोत्तम जो पूर्ण है और अपन जो अपूर्ण है उनके बीच में गणितानंदक अपूर्णक एक अक्षर ब्रह्म है, जो कोई चीज वाकी अपने को दे रहे हो है, अपनी कोई चीज वाकू दे रहे हो है, यहां से वहां टू एंड फ्रो कर रहे हो, वाकू नाम अक्षर ब्रह्म। तो वो अपने एंगल से देख रहे हैं तो वो गणितानंदक लग रहे हो है, वहां एंगल से देखो तो वो पाचा गणितानंदी है। जैसे या डब्बा को जो जोड़ने को कड़ी है वो या डब्बा से जुड़ी हुई है, या डब्बा की जोड़ने की कड़ी या डब्बा को पार्ट है, उन दोनों को मिलके वो जोड़ने की कड़ी एक कड़ी बन रही है, वो अक्षर ब्रह्म है। तो कुछ अपने में भी अक्षर है, कुछ वहां में भी अक्षर है, अपन नेगेटिव पॉजिटिव अक्षर कह सके, एक नेगेटिव अक्षर है एक पॉजिटिव अक्षर है, तो पॉजिटिव अक्षर जो है वो नेगेटिव अक्षर से जुड़ रहे है, वो आपको पॉजिटिव साइड से देखोगे तो पॉजिटिव है और नेगेटिव साइड से देखोगे तो वही अक्षर नेगेटिव भी कर दो, सीधी सी बात है ना, ऐसे भी समझ सको। अक्षर जो है मूल में पूर्ण और अपूर्ण को जोड़ने वालों बीच को फिनोमिना है, या के लिए महाप्रभु जी सच्चिदानंद कम लगा रहे हैं, सच्चिदानंद कम लगा रहे हैं मने मानो के सच्चित आनंद वहां में कम होए, ऐसो वो सचमुच में सच्चिदानंद कम नहीं है, अपने एंगल से देख रहे हैं तो वहां में सत्ता चेतना और आनंद कम है। या बात को महाप्रभु जी ने आगे वाली पंक्ति में समझाया है कि द्विरूपम तत्ति सर्वम स्यात् एकम तस्मात् विलक्षणम्। या पंक्ति पर ध्यान देखो, ये सारा रहस्य समझ में आ जाएगा कि वो सब कुछ बन रहे है, सब कुछ बन रहे है मतलब क्या कि क्षर में ए टू जेड जितनी आइटम है, क्षर बनने वाली क्षर होने वाली वो बनी अक्षर है, तो वो क्षर के एंगल से देखोगे तो वही अक्षर क्षर है,
पर वो क्षर बलियो है, क्षर है नहीं, अक्षर है। तो पुरुषोत्तम के एंगल से वो एकम तस्मात् विलक्षणम्, तो विरूपम तत्ति सर्वम स्यात्। एक डब्बा में या तरीके को हम गए जोड़ने को, दूसरे डब्बा में या तरीके को हम गए, तो ये जो है वो सर्वम स्यात् क्षरम। और जैसे अपन यो समझ सके कि एक थर्ड क्लास को डब्बा है, एक एसी को डब्बा है, तो जो वो दोनों को जोड़ने वाली जो कड़ी है, वो जो थर्ड क्लास की कड़ी है वो थर्ड क्लास की है, एसी की कड़ी है वो एसी की है। वो कड़ी अपने आप में थर्ड क्लास है कि एसी है? अरे भाई वो तो दोनों को जोड़ने वाली कड़ी है, तो हमें थर्ड क्लास को नीचे भी आएगा और एसी क्लास को भी नीचे आएगा। तो विरूपम तत्ति सर्वम स्यात्, वो सब कुछ बन रहे हो है, क्षर सत्ता बन रहे हो है, क्षर चेतना बन रहे हो है, क्षर आनंद बन रहे हो है, और एकम तस्मात् विलक्षणम्, इन क्षरण से विलक्षण भी वहां एक रूप है जो बाबा जी पुरुषोत्तम से जुड़े हुए हैं। ये आपकी सिचुएशन है, समझ में? कुछ इतनी बात या श्लोक में बताई है, ये वही चला। इन बातों में अपन देखो चार बात काउंट कर सके हैं या तीन बात काउंट कर सके हैं। सबसे पहली बात है परम ब्रह्म तो कृष्ण ही, दूसरी बात है सच्चिदानंद कम बृहत, और जो तीसरी बात है और चौथी बात है वहां क्लब करके देखोगे तो अति पूरी ब्यूटी आएगी, और बांट के देखोगे तो वहां में जो मतलब विरोधाभास प्रकट हो रहे हो वो रिजोल्व हो जाएगा, तो बात चार हो जाएंगी। पर वहां पर जो सच्ची ब्यूटी है तीसरी बात की, वहां के विरोधाभास नहीं, वहां की ब्यूटी है कि वो सब कुछ बन रहे हो है और सब कुछ बनते भय भी सब सुख विलक्षण भी है, आयो ना? यही वाकी ब्यूटी है कि वो सब कुछ बन रहे हो है और सब कुछ बनते भय भी सब सुख विलक्षण है। जैसे सोना जो है वो सारे गहना बने हैं, पर सारे गहना बने भय सोना सु सोना अपने आप में विलक्षण भी तो कुछ है कि नहीं, जो खान में पड़े हुए है, जो अभी तक गहना नहीं बने हैं। सारी मट्टी जो है वो पेड़ बन रही है, पर सारी मट्टी जो पेड़ बन गई है वास्तु के अलावा भी तो मट्टी कितनी है पृथ्वी की, तो वो भी तो अलग भी तो है ना। तस्मात् विलक्षणम्, एग्जैक्ट वाह मॉडल पे या कुछ सोचोगे ना तो समझ में आ जाएगी अपने रिलेशन को, कि या अर्थ में अपन क्षर होते भाई भी अक्षर है। देखो ध्यान से समझो जब बात जा कर रही है, अपन क्योंकि अपन क्षर है या में दो मत नहीं हो सके, पर अपन क्षर होते भाई भी मूल में अक्षर है, और पुरुषोत्तम जो है वो पूर्ण है, पर पूर्ण होते भाई भी लीलया अपूर्ण हो रहे हैं। वहां में पूर्ण सत्ता है, पूर्ण चेतना है, पूर्ण आनंद है, वाके बावजूद भी वो लीलया अपूर्ण सत्ता अपूर्ण चेतना अपूर्ण आनंद वो पुरुषोत्तम बन रहे है। या सारी बात को बताने के लिए महाप्रभु जी कह रहे हैं परम ब्रह्म तो कृष्ण ही, कृष्ण तो परम ब्रह्म है, और ये जो बृहत है ये तो सच्चिदानंदक है। ये सच्चिदानंदक क्यों है? क्योंकि विरूप है, विरूपम तत्ति, वहां के दो रूप है। दो कौन से रूप है? कि एक रूप में तो वो सर्वम स्यात् सब कुछ बन रहे है, और एक रूप में वो जो कुछ बनियो है वासु विलक भी विलक्षण भी वो है, या तरीके को अक्षर ब्रह्म है। ये बात महाप्रभु जी ने या श्लोक में कही है। स्वामी विवेकानंद ने सौथी प्रिय जे वेद का वाक्य तो ना, कि जे बोलता है ना मोड़ा ऊपर है उमड़ को करी आवतो तो ए तो प्रिय वासु स्वामी विवेकानंद ने वेद नो वचन छे अमृतस्य पुत्रा। ए दरेक मानस ने जे मरण मरणशील मानस छे ए दरेक मानस ने विवेकानंद एम संबोधन करता था कि तमे अमृतताना पुत्र छो, अमृतस्य पुत्रा अमृतताना तमे पुत्र छो।
राजस्थान में मजाक से जो तो बड़द माते एम कहवाय के सूरज न निकले तो बड़द बहु
सो तैतरीय उपनिषद में आनंद की गिनती करी है, तामे मनुष्य के आनंद से लेके अक्षर ब्रह्मताई 100 गुने आनंद गिने हैं। सो अक्षर ब्रह्मताई गिने हैं, ता पीछे मन और वाणी में आवे नहीं, ऐसो अगणित आनंद लिखो है। दासों श्री कृष्ण में अगणित आनंद है, और अक्षर ब्रह्म में गिनती में आवे कितनो आनंद है, कितनो आनंद है। यहाँ तक की एक पंक्ति है, ये सारी पंक्ति काय को व्याख्यान कर रही है, परम ब्रह्म तो कृष्ण ही सच्चिदानंद कम बृहत। पर इनके दोनों हिस्सा को अपन जब वक्त डिवाइड करके देखें, इन्हें निरंतर क्लब करके चले हैं, वो आपकी पंक्ति को एक यूनिट मान के चले हैं, टीकाकार करके दोनों यूनिट को हर जगह रिपीट कर रहे हैं कि यशोदो संग लालित श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म है, क्यों जो आप तो पूर्णानंद है और अक्षर ब्रह्म किसकी न आवे है। सबसे पहली ये पंक्ति है, ये पंक्ति क्या है? अपनी एक्सरसाइज ये अपन जाने हैं क्या क्या। हाँ श्री यशोदा संग लालित श्री कृष्ण भी परब्रह्म है, तो ये व्याख्या के अंत के तहत मुझे ये तात्पर्य पर्याय निर्देश लगे, क्योंकि मूल में कहीं यशोदा ये जो विशेषण यशोदा संग लालित श्री कृष्ण को